सरकार यूपी के जो एक एमएलए हैं बांगरमऊ से कुलदीप सिंह सेंगर, इनके पास एक युवती 2017 में जब नौकरी के लिए जाती है तो उनको नौकरी के बजाय उसके साथ रेप किया जाता है, और जब वो युवती उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है एमएलए के खिलाफ तो उसके ही घर वालों को गिरफ्तार किया जाता है। हद ही हो जाती है कि पुलिस कस्टडी में उसके फादर की डेथ हो जाती है। दूसरी बात, जब अभी थोड़े दिन पहले ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के पास मिलने जा रहे थे रायबरेली से, तो इसका कार का एक्सीडेंट कर दिया जाता है जिसमें इसकी मौसी, पीड़िता की मौसी और एक इसकी बहन की डेथ हो जाती है, और जो खुद पीड़िता है और उसका वकील है वो आज मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रहा है, वेंटिलेटर पर है। तो ये कैसी सरकार है मोदी सरकार की, जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब जुल्म और ज़्यादती उस पीड़ित परिवार पर हो रही है तो क्यों नहीं मोदी सरकार इस्तीफा की मांग, उसको बीजेपी से निकाल देती है कुलदीप सिंह सेंगर को। इसके अलावा योगी सरकार को नहीं दिख रहा है कि उनके एमएलए किस तरह से तांडव मचाए हुए हैं पूरी यूपी में, तो हम आज ये मांग करने आए हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है उसको भाजपा से निलंबित किया जाए और जो योगी सरकार है मानवीय आधार पर इस्तीफा दे।